नमस्कार, मैं आपका मित्र सर्वमित्र। मसला है कि क्या सिद्धू मूसेवाला को पहले से ही एहसास था कि उसके साथ ऐसा हो सकता है? ये मसला चर्चा में है और सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है। इसको कोइंसिडेंट कहें या फिर लोग कहते हैं कि कई बार बंदे को पहले ही एहसास हो जाता है। सिद्धू मूसेवाला का जो दो हफ्ते पहले ही लास्ट सॉन्ग आया था वो था लास्ट राइड, मतलब आखिरी सवारी। ठीक वैसे हुआ कि वो अपने घर से निकले और 4 किलोमीटर दूर ही उसको मार दिया गया। ये उसकी लास्ट राइड थी जो वो अपनी थार पर कर रहे थे। लास्ट राइड गाने के बोल हैं, चोबर दे चेहरे उते नूर दसदानी एदा उठूगा जवानी चे जनाजा मिठी है। आपको समझ आ गया होगा इसका मतलब क्या है, फिर भी बता देते हैं। चेहरे का नूर बता रहा है कि भरी जवानी में इसका जनाजा उठेगा, तो ठीक वैसा हो रहा है। भरी जवानी में सिद्धू मूसेवाला ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया, इसलिए लोग कह रहे हैं कि ये तो ठीक वैसे हो गया जैसे उसने अपना लास्ट गाना गाया था। एक और गाना मूसेवाला का जो करीब 10 महीने पहले आया था 295, तो लोग ये भी कह रहे हैं कि 29 मई यानी 29/5 को वो इस दुनिया से चले गया। सिद्धू मूसेवाला ने छोटी उम्र में ही वो मुकाम हासिल किया जो कोई ही कर सकता है। सिद्धू मूसेवाला के दुनिया के कई देशों में फैन हैं, उनके गाने बजते हैं, अंग्रेज भी उनके गानों पर थिरकते हैं। मैं देख रहा था कि पाकिस्तान में भी उनके लाखों फैन हैं जो खबर सुनने के बाद सदमे में हैं। सिद्धू मूसेवाला ने कई गानों में गन का भी इस्तेमाल किया है, वो मुझे पसंद नहीं। मैं हमेशा से ही पंजाबी गानों में गन कल्चर के खिलाफ रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि इस पर रोक लगे। लेकिन सिद्धू मूसेवाला के कई गाने सिस्टम पर चोट करने वाले हैं जो उसने बाकमाल लिखे हैं और गाए भी हैं। दूसरा, सिद्धू मूसेवाला धरती से जुड़ा हुआ इंसान था। इतनी प्रसिद्धि मिलने के बाद भी मुंबई जाकर या कनाडा जाकर नहीं बसा, बल्कि अपने गांव मूसा में हवेली बनाई। जब उससे इस बारे में सवाल किया जाता था तो वो कहता था कि माँ बाप के साथ, दोस्तों के साथ और इलाके के लोगों के साथ रहना पसंद करता हूँ। खुद खेतों में जाकर ट्रैक्टर चलाता था, अपने माँ बाप को बहुत प्यार करता था और शोज़ में उनके बारे में जो बोलता था, मतलब माँ बाप का सीना चौड़ा हो जाता था। वरना मैंने ये भी देखा है कि किसी सिंगर का एक गाना भी हिट हो गया तो पंजाब छोड़कर कहीं और ही ठिकाना बना लेते थे वो लोग। पंजाब तो कभी ही किसी शोज में दिखाई देते हैं वो, वैसे नहीं, लेकिन सिद्धू इस मामले में सबसे अलग था। बंदे ने अपने दम पर मुकाम बनाया था और वो सच कहता था कि आज मैंने किसी को रिप्लेस किया है, कल को कोई और मेरे को रिप्लेस कर देगा। हमेशा किसी एक का टाइम नहीं रहता, लेकिन वो जब तक रहा उसका नाम बोलता था। उसने ठीक लिखा था, तेरे 21 सालां दे जट नू बाई बाई कहंदी दुनिया। वो बाई था, बाई को हिंदी में भाई बोलते हैं। लेकिन वो कहते हैं ना कि कोई अपने दम पर फेमस हो जाए तो फिर प्यार के साथ साथ नफरत करने वाले भी बहुत हो जाते हैं। सिद्धू राजनीति में भी आए, कांग्रेस की ओर से मानसा से चुनाव लड़ा। चुनाव लड़ने का उसका मकसद था सिस्टम में आकर वो अपने इलाके के लिए बहुत कुछ करना चाहता था, जो उसने कई बार बोला भी था। लेकिन चुनाव में सिद्धू हार गया, बट जो उनके सामने चुनाव जीते उनको मंत्री बनाया गया और कुछ दिन पहले ही सीएम ने खुद रिश्वतखोरी के आरोप में उन्हें बर्खास्त कर जेल भेज दिया। उसके बाद उसके इलाके के लोग कहने लगे कि उन्होंने चुनाव में बहुत बड़ी गलती कर दी जो सिद्धू को नहीं जिताया। खैर, चुनाव में हार जीत तो होती रहती है, लेकिन उसके बाद भी सिद्धू के गीतों का इंतजार उनके फैंस करते थे। सोशल मीडिया पर डालते ही करोड़ों में उनके गाने देखे जाते थे। लेकिन 295 गाने में उसने खुद गाया था
करेगा तरक्की तो हेट मिलूगी। इसी हेट ने ही लंबा चौड़ा गबरू मिनटों में ही ख़त्म कर दिया और पीछे रह गया सिद्धू का नाम मूसेवाला। यानी अपने नाम के साथ साथ अपने गांव को भी पूरी दुनिया में फेमस कर गया सिद्धू मूसेवाला। लेकिन उन पर क्या गुजर रही होगी जिनके लिए उसने हवेली बनाई। परमात्मा उसकी आत्मा को शांति दे और उसके माँ बाप को हिम्मत। लेकिन आप इस पर अपनी राय जरूर दीजिएगा कमेंट करके इस वीडियो पर, और शेयर भी कर दीजिएगा ताकि दूसरे लोग भी कमेंट कर सकें। फिर मिलेंगे अगले मसले के साथ, अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम।